आज के सुपर शोडाउन में हम मॉन्स्टरवर्स के शक्तिशाली टाइटंस को अटैक ऑन टाइटन के शक्तिशाली टाइटन से कंपेयर करेंगे, मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को फाउंडिंग टाइटन से कंपैरिजन करेंगे और कॉन्ग को हम कोलोसल टाइटन से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन से यूनिवर्स का टाइटन सबसे शक्तिशाली है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोलोसल टाइटन और कॉन्ग के बीच कंपैरिजन करेंगे, फिर गॉडजिला और फाउंडिंग टाइटन के बीच। तो पहले जानते हैं कोलोसल टाइटन के बारे में। अटैक ऑन टाइटन में कोलोसल टाइटन को दो लोग होल्ड करते हुए दिखे, बट होल्ड और आर्मिन, जो कि हमें आर्मिन इस टाइटन के फुल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दिखा, तो हम इस बैटल में उसी को ही लेंगे। तो कोलोसल टाइटन का सबसे यूनिक बात है उसका साइज और ट्रांसफॉर्मेशन। कोलोसल टाइटन का साइज इतना बड़ा है कि वह दूसरे टाइटन जैसे कि अटैक टाइटन, आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन और कई दूसरे टाइटन को हरा सकता है, जो 197 फीट बड़ा होता है। वहीं कोलोसल टाइटन अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्म भाव छोड़ सकता है, जो इंसानों को बुरी तरह जला सकता है। वहीं इस टाइटन की सबसे खतरनाक एबिलिटीज है एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोलोसल टाइटन में बदला जाता है तब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है, जिससे पूरी तरह आसपास तबाही मच जाती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक फायर के रूप में होता है, जिससे आसपास पूरी तरह जलने लगता है, जैसे कि वह न्यूक्लियर बम गिरा हो। इस एबिलिटी से कोलोसल टाइटन पूरी सिटी को आसानी से तबाह कर सकता है और लाखों लोगों को मार सकता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आर्मी ने बहुत सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हजारों लोगों को मार दिया था। वहीं बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स के कॉन्ग की। तो मॉन्स्टरवर्स के कॉन्ग को कौन नहीं जानता, जिसने कई काइजू को मौत के घाट उतारा है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस काइजू में आता है, जो इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है, उनके इमोशन को समझ सकता है। वह अपने दुश्मन पर आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुरी तरह पीटता है। उसने स्कल आइलैंड में स्कल का जैसे मॉन्स्टर को मारा था, जो उसके जितना फास्ट और फुर्तीला था। हालो अर्थ में दो वार बैट को मारा था, जो कॉन्ग से कई गुना बड़ा था, जो कॉन्ग के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। वहीं कॉन्ग ने गॉडजिला का साथ देकर मेका गॉडजिला को मारा था। वह फुर्तीला भी है, जो बहुत फास्ट दौड़ सकता है, बिल्डिंग में आसानी से चढ़ सकता है। कॉन्ग 356 फीट बड़ा है, जिससे कि उसका पंच का वार बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉन्ग ने कई काइजू से लड़ चुका है और कई काइजू को मौत के घाट उतार चुका है। उसके पास खुद का एक्स है, जिससे वह दूसरे टाइटन को मार सकता है। इससे उसने गॉडजिला को डैमेज कर दिया था, उसे कुछ समय के लिए नॉकआउट कर दिया था और उससे इसने मेका गॉडजिला के पुर्जे अलग कर दिए थे। कोलोसल टाइटन और कॉन्ग दो जाइंट टाइटन हैं। कोलोसल टाइटन इतना बड़ा है कि वह दूसरे टाइटन जैसे कि अटैक टाइटन, बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन को आराम से हरा सकता है। तो क्या वह कॉन्ग को हरा पाएगा, क्योंकि कॉन्ग ने अपने ही जितना फास्ट और फुर्तीले मॉन्स्टर को मारा है। तो पहले जानते हैं इनके साइज के बारे में, क्योंकि साइज का दो टाइटन के बीच इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कोलोसल टाइटन 197 फीट बड़ा है और कॉन्ग 356 फीट बड़ा है। तब कॉन्ग कोलोसल टाइटन से 1.5 गुना बड़ा है, तब वह अपने स्ट्रेंथ से मार सकता है, क्योंकि कोलोसल टाइटन बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि उसके वार से योद्धा आसानी से बच सकते थे। तब वह कॉन्ग के खिलाफ हैंड टू हैंड फाइट में कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्ग इस टाइटन के मुकाबले बहुत ही बड़ा है और फास्ट भी है, जिससे कि कॉन्ग अपने पंच से गिरा सकता है और ऐसा करने पर कोलोसल टाइटन कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरा कि कॉन्ग के पास एक्स है, जिससे वह इस टाइटन को मार सकता है, क्योंकि कॉन्ग की खास बात यह है कि वह अपने दुश्मन के हमेशा हेड पर वार करता है। वह वार बैट के हेड को उखाड़ कर मारता है, मेका गॉडजिला के हेड को काटता है, जो कोलोसल टाइटन की कमजोरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोलोसल टाइटन जीत नहीं सकता, उसके भी जीतने की पॉसिबिलिटी बनता है। वह अपने एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन से कॉन्ग को मारने की क्षमता रखता है, क्योंकि कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेस्टन पेकर ने अपने बम से कॉन्ग को मारने की कोशिश की थी। जब कॉन्ग 104 फीट बड़ा था, वही 356 फीट बड़ा था, तब गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेस से उसे घायल कर दिया था। तब कोलोसल टाइटन 104 फीट बड़े स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग को मार सकता है अपने एक्सप्लोजिव ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से सिटी को तबाह कर सकता है। तो वह 104 फीट बड़े कॉन्ग को मारने की क्षमता रखता है,
लेकिन 356 फीट बड़े कॉन्ग को नहीं मार सकता क्योंकि इसने गॉडजिला के एटॉमिक वेथ झेलने के बाद भी वह फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। तो कॉन्ग कोलोसल टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन से भाग सकता है और बड़ा होने पर इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल में विनर कॉन्ग होगा, जो अपने एक्स से कोलोसल टाइटन को डैमेज कर मार सकता है, अपने स्टैंड से बुरी तरह पीट सकता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। अब बात करते हैं गॉडजिला और फाउंडिंग टाइटन में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम फाउंडिंग टाइटन की बात करते हैं तो सीरीज में फाउंडिंग टाइटन बनने की एबिलिटी फिलहाल इरेन के पास है, लेकिन इरेन को फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, इसलिए यामिर फिर्स को हम फाउंडिंग टाइटन के रूप में लेंगे, जो पहली इंसान थी जिसके पास टाइटन बनने की शक्ति आई। अगर हम इसके एबिलिटीज की बात करते हैं तो इसकी सबसे खास एबिलिटीज है टाइटन क्रिएशन। यह फाउंडिंग टाइटन की सबसे खास क्षमता मानी जाती है कि वह सब्जेक्ट ऑफ यामिर को बहुत बड़े टाइटन कोलोसल टाइटन बदल सकता है, और इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को कोलोसल टाइटन में बदल कर वाल बनाया गया, और वह इन टाइटन को कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है, जिससे वह इन सभी टाइटन को दीवार की तरह खड़ा कर वाल में बदल दिया गया। मेमोरी मैनिपुलेशन। फाउंडिंग टाइटन के पास सब्जेक्ट ऑफ यामिर के मेमोरी को बदलने की क्षमता होती है। इसी वजह से पैराडिस आइलैंड में रहने वाले को 100 साल पहले की स्टोरी पता नहीं थी कि वो कहां पर है और वाल को कैसे बनाया गया। एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन। इस टाइटन की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वह सब्जेक्ट ऑफ यामिर के बॉडी को बदल सके। 600 साल पहले इलाडियन किंग ने एक महामारी से बचने के लिए इस टाइटन की मदद से सभी के बॉडी को इम्यून कराया था। यह टाइटन यामिर के वंशज से टेलीपैथी रूप से कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा इस टाइटन के पास दिव्य शक्ति होती है कि वह पास्ट में हुए घटना को देख सकता है, साथ ही साथ वह फ्यूचर मेमोरी को देख सकता है फ्यूचर इनहेटर का। अगर बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की, तो मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला सबसे शक्तिशाली काइजू है, जो 393 फीट बड़ा है और 1,00,000 टन भारी है, जिसने म्यूटो किंग गिदरा जैसे मॉन्स्टर को मारा है और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर को बुरी तरह पीटा है। उसके पास एटॉमिक ब्रेथ है जिससे उसने फीमेल म्यूटो को मार दिया था, और यह एटॉमिक ब्रेथ इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि उसने अर्थ से हालो अर्थ तक छेद कर दिया था। वहीं गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी सबसे खतरनाक मानी जाती है, जिसे टैंक और मिसाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि यह न्यूक्लियर बम से भी सरोई कर सकता है, क्योंकि गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। और गॉडजिला की सबसे खतरनाक एबिलिटी मानी जाती है उसका न्यूक्लियर पल्स, जिसे गॉडजिला अपने बॉडी से चारों तरफ छोड़ता है, जिससे बच पाना मुश्किल है। इस एबिलिटी से गॉडजिला ने किंग गिदरा का नामोनिशान ही मिटा दिया था। फाउंडिंग टाइटन एक ऐसा टाइटन है जो दूसरे टाइटन कंट्रोल कर सकता है और पूरे यामिर के वंशज को टाइटन में बदल सकता है। वहीं गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जिसने मॉन्स्टरवर्स के कई टाइटन्स को मारा है। फाउंडिंग टाइटन के स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी होगी बाकी टाइटन की तरह, यानी कि उसका वीकनेस हेड ही होगा और उसे भी तलवार से काटा जा सकता होगा। यानी कि गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से आराम से मार सकता है, क्योंकि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ फीमेल म्यूटे के हेड को उखाड़ दिया था, अर्थ में छेद कर दिया था और किंग गिदरा के हेड को जला दिया था। लेकिन फाउंडिंग टाइटन के पास साइज का एडवांटेज है। गॉडजिला 393 फीट बड़ा है, वहीं फाउंडिंग टाइटन 787 फीट बड़ा है, यानी गॉडजिला से दोगुना है। लेकिन ज़्यादा हाइट होने के अलावा फाउंडिंग टाइटन के पास कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जिससे कि वह गॉडजिला को मार सके, क्योंकि गॉडजिला का हाइट कम है, लेकिन उसके पास ऐसे पावर्स है जिससे वह फाउंडिंग टाइटन को मार सकता है। वह अपने एटॉमिक ब्रेथ से फाउंडिंग टाइटन के हाथ, पैर और हेड को काट सकता है या उन्हें पूरी तरह जला सकता है। वहीं गॉडजिला का न्यूक्लियर पल्स इतना शक्तिशाली है कि फाउंडिंग टाइटन के साथ साथ उसके अंदर इनहेटर को भी जला के राख कर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल बेटल बींग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।